बाय द वे 12 बजे से पहले बच गए क्योंकि पापा को निकलना है, उनकी फ्लाइट है टूर के लिए, तो हमने फटाफट केक कटिंग कर डाली। ओके, अब आंटी पाल दीदी को उनका गिफ्ट देना तू करना बेटा, क्योंकि ये काफी ट्रिकी है सबसे पहले। ओके, लेट्स वेट, वो साइड से खोलना पड़ेगा। क्या टीना कर पाएगी? कर दिया, देखा हमारी टीना काफी ज्यादा टैलेंटेड है। टैलेंटेड टीना टीटी टीटी ये देखो कैसा लग रहा है, दिखाओ। शादियों में वो शॉट लिया जाता है ना रिंग्स का, वही हो रहा है। ये ऐसे कर देती पागल सी। थैंक यू बोलो पापा। वाओ कितना सारा प्यार। हैप्पी बर्थडे बेटा, जीते रहो। बर्थडे 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 पायल का है बर्थडे आज, एंड 12 बजे बजने वाले रात के। ऑब्वियसली पायल मैडम अपनी नई ड्रेस पहनकर बैठ गई हैं, जो कि अभी तक उसने टैग भी नहीं निकाला है, तो ये H&M से ली गई है। अब साक्षी स्पेशली आई है, पापा भी टूर पे जा रहे हैं और कल हम लोग जा रहे हैं गोवा, तो ऑब्वियसली मैं अच्छी तो लगू ना आपके। मेरा बर्थडे है, यस, कोई मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने आ रहा है और मैं बन के बैठ जाऊँ। पायल स्पेशली रेडी होती है बर्थडे के लिए, एंड साक्षी आई है स्पेशली इतनी रात में इतनी ठंड में पायल मैडम का बर्थडे मनाने। मम्मी पापा ने मुझे गिफ्ट दिया है या मैंने ले लिया कुछ ऐसा फ्रॉम तनिष्क, एक ये पश्चिम विहार ब्रांच है, बहुत क्यूट। ये डायमंड्स का है, नॉट फ्लॉन्टिंग बट फ्लॉन्टिंग। अब मम्मी पापा मेहनत कर रहे हैं तो मैं बताऊ नहीं। The next morning. हम तो चले। Morning guys, and अब हम लोग जा रहे हैं। सुबह के 7:30 बज गए हैं and हम लोग जा रहे हैं गोवा। और मेरा गला बैठा हुआ है क्योंकि दिल्ली की सर्दी है। गोवा, only गोवा can heal you my sister. That salty water. Yes. Only that can help me now. Yeah. टीना खाना खा रही है, पापा वाला खाना। पापा इसको लेके जा रहे थे टूर पर लेकिन उनकी फ्लाइट हो गई कैंसिल, तो टीना उठा के ले आई। मैं का खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए, मेरे पेट में जाएगा यार। एनीवेज हम लोग इतनी सुबह निकले हैं, मेरे को मिलने भी नहीं वाला था खाना, बाहर से खाना पड़ता। इट्स बेटर आप घर का खाओ। गोइंग डोसा एट द एयरपोर्ट क्योंकि हम हैं डोसा लवर्स। डोसा इडली सांभर। We are inside our hotel. This is Taj. Taj is treating us well with what am I saying? Taj is treating us well with refreshment. Kokum drink. Kokum बहुत अच्छा होता है गर्मियों के लिए, एंड यहाँ तो बहुत गर्मी है भाई, तो आई थिंक पेट को काफ़ी ठंडक मिल जाएगी कोकम शरबत पीने के बाद। सो हम लोग अपने रूम में एंटर करने जा रहे हैं एंड हमें बोला गया कि कैमरा रेडी रखो बिकॉज व्यू बहुत अच्छा होने वाला है। ओके, वी आर रेडी। थैंक यू सो मच। वाओ, ओह माय गॉड, दिस इज ब्रेथ टेकिंग। वाओ, दिस इज सच अ क्यूट रूम, एंड व्हाट इज दिस व्यू, अमेजिंग। दिस व्यू इज द बेस्ट थिंग। अभी हम शाम होते ही सूरज ढलते ही जाएंगे, राइट? यस। गोवा में तो बहुत गर्मी है। यस, टाइम टू ईट समथिंग। दिस इज पनीर काठी रोल क्योंकि भूख लग रही है, एंड इसके बाद हम लोग जाएंगे बीच पर। पायल इज बीच रेडी, वी बोथ आर, एंड 5 बज गए एंड सो हमने धूप भी चली गई है। हाँ, अच्छा हो गया, तो चलते हैं एक बार हम बीच का आउटफिट तो दिखा दें। दिस इज अ ब्लैक ड्रेस फ्रॉम H&M, बैग इज फ्रॉम H&M, बिकनी पायल इज वेयरिंग इज फ्रॉम हंकी मॉलर। चप्पल आर फ्रॉम सम लोकल शॉप, बिकनी दैट आई एम वेयरिंग
is from somewhere online that I bought 2-3 years ago. Which I'll show you guys later if I want to. Let's go! Oh my god, I think दिमाग खराब होने वाला है मेरा तो यहाँ. Because ये बहुत 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 pretty है. Fuck. Oh my god. This is beautiful. We are at the beach. पायल ताल डाल रही है जिससे हम अपना सामान यहाँ पे रख लें. एंड यहाँ का ताज रिजॉर्ट का ये प्राइवेट बीच है. ऊपर जाके हमारे वहाँ पे चेयर्स हैं जहाँ पे हमने अपना ले लिया है. बट हमारे सामान तो हम यहाँ लिया है तो अब कोई और ले लेगा हमारी चेयर पक्का. इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे, हम रिलैक्स कर रहे हैं. एंड रात में तो ये जगह और भी ब्यूटीफुल हो गई है. So pretty. Beach, and we open the room and look what we found. Oh, wow. The next morning. Good morning, Payal Titi. Good job. So we are at the hotel and look who all we met. Hi guys. Hi. Our chote chote cute fans. So nice meeting you all. कल हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया एंड आज मुझे हो गया फीवर. तो बट आई टुक द क्रोसिन होटल से ही हमने मंगा ली थी. आई एम फीलिंग बिट बेटर. अभी हम लोग चिल कर रहे हैं एट द बीच. थोड़ा हम यहाँ पे बैठे हैं ऑन द टेकिंग सन बाथ बट अंडर शेड. एक्चुअली हमारा प्लान था कि हम बाहर जाएंगे रिजॉर्ट से एंड मैंने कार भी रेंट कर ली. बट पाल को फीवर हो गया तो फिर हमने यही डिसाइड किया कि हम कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि उससे खड़े होने की भी हालत नहीं हो रही थी. सो वी जस्ट आर चिलिंग हियर. अभी हमने 2 घंटे बैठकर लंच किया है. प्लस हमारा रिजॉर्ट अच्छा है तो इट्स नॉट लाइक कि हमें ऐसे होगा फील कि और हमें कहीं जाना ही चाहिए तभी इंजॉय कर पाएंगे. इट्स नाइस. तो ये मैंने पैर से बनाया है टीना एंड फायर. टीना ने भी उसका छोटा वर्जन बनाया. क्यूट. आई जस्ट लव आवर होटल आवर रिजॉर्ट एंड आफ्टर अ नाइस स्विम सेशन इन द ओशन वी आर हैविंग समथिंग एट द बार. वेज में हमें भूख लग रही है तो हम पनीर टिक्का या कुछ ऑर्डर कर रहे हैं. गाड़ी चला रही है टीना. यहाँ के रास्ते ही ऐसे हैं. गोवा है तो नहीं दिख रही. मेरी सिर्फ आवाज सुन सकते हैं आप लोग. अभी मैं दिखूंगी नहीं. The next morning. Bye. Bye bye. So we are checking out from our hotel and बहुत हमारा अच्छा स्टे रहा. इवन दो पायल को पूरे ट्रिप पर फीवर रहा है एंड वो क्रोसिन पे जी है बट स्टिल इट वॉज वर्थ इट एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम. ताज प्रॉपर्टीज आर ऑब्वियसली अमेजिंग एंड देयर हॉस्पिटैलिटी इज अमेजिंग. एंड सबसे बेस्ट बात है हम जहाँ भी जा रहे थे वी वर मीटिंग आवर फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स एंड फैंस. वी गॉट सो मच ऑफ फ्री स्टफ. यस. वी कुड नॉट ईट बिकॉज़ वी ईट लेस स्पेशली मीठा.
बट मॉकटेल्स एंड ऑल वर गुड एंड बीच यहाँ का दैट गाय वाज सो स्वीट ही गेट्स ब्रिंगिंग चलो बस चलते हैं घर जा रहे हैं।